अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए भले ही उसे भारी मात्रा में हथियार दिए हैं, लेकिन उन हथियारों को वो रूस के खिलाफ मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। नियम के मुताबिक ये हथियार उसे सिर्फ रूस से अपना बचाव करने के लिए दिए गए हैं। ऐसे में यूक्रेन और उसके अन्य नेटो समर्थक देश अमेरिका पर काफी समय से दबाव बना रहे थे कि वो यूक्रेन पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा ले और उसे लंबी दूरी तक मार करने की छूट दे। हालांकि अब अमेरिका ने यूक्रेन को छूट दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि अमेरिका ने रूस पर हमला करने के लिए अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों का उपयोग करने के लिए यूक्रेन के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। ब्लिंकन ने बताया कि इस शर्त पर छूट दी गई है कि यूक्रेन अपने हमलों को खार्कियों की सीमा से सटे क्षेत्रों तक ही सीमित रखेगा, जहां मई में रूसी सेना घुस गई थी। इस पूरे मामले में ब्लिंकन ने प्राग में नेटो विदेश मंत्रियों की एक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, Over the past few weeks, Ukraine came to us and asked for the authorization to use weapons that we're providing to defend against this aggression, including against Russian forces that are massing on the Russian side of the border and then attacking into Ukraine. That went right to the president, and as you've heard, he's approved the use of our weapons for that purpose. Going forward, we'll continue to do what we've been doing, which is, as necessary, adapt and adjust. And that, as I said, has been a hallmark of our engagement. It will continue to be. ब्लिंकन ने यूक्रेन को सप्लाई किए गए हथियार और अन्य सिस्टम के प्रभावी उपयोग और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनिंग के महत्व पर भी जोर दिया। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि नेटो सहयोगी यूक्रेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेनी बलों को गोले की तत्काल सप्लाई के लिए चेक गणराज्य के प्रयास का भी जिक्र किया। इधर नीदरलैंड और जर्मनी ने भी हाल ही में यूक्रेन को अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम देने की प्रतिबद्धता जताई है। ब्लिंकन के बयान से पहले ही एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल को लेकर यूक्रेन पर लगाए गए प्रतिबंध को गुप्त रूप से हटा दिया है। हालांकि प्रतिबंध अभी भी पूरी तरह से हटा नहीं है। दरअसल बाइडेन का मानना है कि पूरी तरह से प्रतिबंध हटाने से युद्ध बढ़ जाएगा और नेटो सीधे रूस के साथ युद्ध में और परमाणु हमलों में उलझ सकता है।